हेलो हेलो, ऑडियो क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान फ्रॉम टेक्निकल से। और आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका स्मार्टफोन टूट जाता है, पूरा डेड हो जाता है, मतलब कि उसकी स्क्रीन में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो उसमें से आप अपनी डेटा कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी का भी स्मार्टफोन टूट जाता है तो उसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है उसकी डेटा। वो स्मार्टफोन दोबारा तो आ जाएगा, लेकिन उसका जो डेटा है वो दोबारा नहीं आ सकता जब तक उसको रिपेयर ना करवाया जाए। कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते जो उस मोबाइल को जाके रिपेयर करवाएं। ऐसे में ये है कि आज की वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि फ्री में आप अपनी मोबाइल से डेटा निकाल सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन बिल्कुल टूट जाती है, डेड हो जाती है, तो आप उसकी स्क्रीन को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे चला सकते हैं। मतलब उसमें यह होगा कि आपके मोबाइल से आपकी जो स्क्रीन होगी वो दिखाई देगी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वो कैसे होगा, वीडियो को लास्ट में से एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ मैं। अगर आपने थोड़ा सा भी स्टेप मिस कर दिया तो शायद आपको वीडियो समझ में ना आए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो पहले भी बनाई है और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने सोचा कि यार क्यों ना अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनाई जाए, वही नॉलेज दोबारा शेयर की जाए। कि ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है, मेरा जो स्मार्टफोन है वो टूट चुका था। सबसे जो ज़्यादा अहम चीज़ थी उसमें थी वो डेटा मेरी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख था वो मेरी डेटा का था। तो ऐसे में ये था कि उस टाइम मैं डेटा नहीं निकाल पाया। अगर मुझे पता होता तो उस टाइम शायद मैं अपनी डेटा निकाल लेता, लेकिन अभी तो शायद वो मेरे पास मोबाइल बचा भी नहीं है। तो आप परेशान मत होइए, अगर आपके स्मार्टफोन में ऐसी कोई भी गड़बड़ है, अगर आपके ऐसी कोई भी मुश्किल है, तो उसका हल इसी वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक देखिए, वीडियो को चलते चलते लाइक कर दो, शेयर कर दो, उसके लिए मेरे चैनल को तो लास्ट में सब्सक्राइब कर दो। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करूँगा, अपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है पीसी की अलग कर रहा हूँ और ये आपको लाइव में ठीक है ना अलग दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो रिकॉर्डिंग है पीसी की वो चालू है, और मैं उससे पहले ये करूँगा कि अपने जो मेरा पीसी है इसमें सबसे पहले मैं करूँगा नेट कनेक्ट, क्योंकि मुझे आपको कुछ एप्लीकेशन वगैरह बतानी है जो आपको डाउनलोड करनी है लाजमी से। ठीक है, नेट मैंने जो है ना अभी कनेक्ट कर ली है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि अपना ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र जो है वो आपको, तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है क्रोम ऐप्स। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो है ना इसका वेब स्टोर आ जाएगा, वेब स्टोर पे आपको जाना है सिंपली। ठीक है, अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो सब बता रहे हैं, और ये वर्केबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर एक एप्लीकेशन सर्च करो जिसका नाम वाइजर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सर्च करोगे तो आपको नहीं, तो आपको सिंपली करना क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, आपको नया टैब आपको ओपन करना है। उसके बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पर अपना वाइजर जो एप्लीकेशन है वो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है। मैं आपको ए टू जेड सारी चीज़ें इसकी समझा रहा हूँ, आपको इंस्टॉल कैसे करना है और उसके अलावा डाउनलोड कैसे करना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन है, और दोबारा आपको विंडोज़ पर क्लिक करना है। तो मैंने डाउनलोड कर ली है ऑलरेडी, मैं आपको चल के यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर इसको डाउनलोड करके रखा है। ठीक हो, ये मेरा सिंपली वाइजर ये डाउनलोड हुआ हुआ पड़ा है। मैंने इसको क्या किया कि इंस्टॉल वगैरह हर चीज़ कर ली, और उसके बाद मैं आपको सिंपली ऑन करता हूँ। और मैं यहाँ से अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कि फिलहाल एक से स्मार्टफोन से वीडियो भर रही है और दूसरी मैं इसमें आपको सिंपली कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसको सिंपली इसका नेट जो है वो डिसकनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको सिंपली अभी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे जैसे ये ओपन होगा तो मुझे सबसे पहले इसमें डेटा केबल कनेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसमें सिंपली निकाल के दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इस पर कनेक्ट किया तो यहाँ पर व्यू डिवाइस ठीक हो गया। अब यहाँ से मुझे उसको ओके करना है। जैसे ओके हो गया, क्योंकि आपकी अगर स्क्रीन बिल्कुल डेड भी हो ना तो आपको ओके का बटन भाई पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, क्योंकि बंदा जब स्मार्टफोन डेली बेस में यूज़ करता है तो उसको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब देखो इसमें जो है ना ऑटोमेटिक वाइजर जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक इसमें हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो भी मैं सारी चीज़ें अपने माउस से जो है ना अपने पीसी से यहाँ पर देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये सामने एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं बिल्कुल भी स्मार्टफोन को टच नहीं कर रहा और मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर भी चल रही हैं। ओके हो गया, और सामने स्क्रीन पर भी चल रही हैं। अब ये होगा कि मेरे पास अगर ज़ेपिया वगैरह एप्लीकेशन, जैसे कि मुझे डेटा वगैरह अपनी अगर इतनी मेरी अहम है, कोई भी चीज़ मुझे निकालनी है या किसी की भी तरफ मुझे व्हाट्सअप वगैरह करनी है, तो सिंपली मैं यहाँ से अपना व्हाट्सअप एप्लीकेशन चला के ईच एंड एवरीथिंग में सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकता हूँ। सिंपली मैं आपको कोई वीडियो चला के दिखाता हूँ। वीडियो किधर गया मेरा यूट्यूब, ठीक हो गया, यहाँ पर ये यूट्यूब आ गया। और सिंपली अगर मैं यहाँ पर सर्च कर लूँ या मैं यहाँ पर अगर अपनी ही कोई वीडियो चलाता हूँ, तो ये देखो मैंने जो अभी 3 घंटे पहले अपनी वीडियो अपलोड की है, तो ये सिंपली यहाँ पर देखो ये चल जाएगी, आवाज़ यहाँ से आएगी और यहाँ पर भी चलेगा। ठीक हो गया, तो कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। और
तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। उसके अलावा भैया आपको एक चीज़ समझ में शायद ना आई हो, वो क्या है कि आपको जो है एक चीज़ की मुश्किलात इस चीज़ में आएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप सिंपली जो डेटा केबल है वो लगाएंगे और आपकी स्क्रीन जो है ना वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको इन सारी सेटिंग से पहले एक सेटिंग करनी होगी जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर आई बटन में लिंक होगा क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है। उसके अलावा शायद आप ये काम ना कर पाएं क्योंकि एक सेटिंग होती है जो मोबाइल जो स्मार्टफोन में आपको सबसे पहले ऑन करनी होती है। मतलब ये कि अगर आपका स्मार्टफोन टूटा हुआ है तो कुछ कह नहीं सकता। कुछ लोग ये होते हैं कि उस चीज़ का पता नहीं होता उन लोगों को, लेकिन वो ऑन हो जाती है। वो क्या चीज़ें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके लाजमी से वीडियो देखें। अगर आपका मोबाइल सही सलामत है लाजमी से जाके वो ऑन कर दीजिए। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट करो कि अगली वीडियो किस बारे में हो। थोड़ी हेल्प कर दो यार भाई कि मतलब कि अब मुझे लगता है कि मुझे दूसरे क्रिएटर्स की तरह ये करना चाहिए कि स्टोरी टाइम लाना चाहिए। जब कंटेंट क्रिएटर के पास कंटेंट खत्म हो जाता है ना तो वो स्टोरी टेलिंग बताता है। अब यार स्टोरी तो मैं भी बताने से रहा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।